खबर राजधानी देहरादून से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्य की पांचों लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस दो सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई जिताऊ कैंडिडेट है ही नहीं और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के नेता दिल्ली टिकट के लिए जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता टिकट ना लेने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस की बात है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। कांग्रेस के नेतागण जो दिल्ली जाते थे पहले टिकट के लिए, अब वो दिल्ली जा रहे हैं कि टिकट ना लें। उन्हें लगता है कि हम हार की स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत आगे निकल चुकी है और चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की पांचों सीटों में 5-5 लाख से हम जीतने वाले हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है।